हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हो एक्सपोज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऑनलाइन कैसे बदले। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आधार कार्ड में आप लोग कैसे मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करें, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे बदले। आधार कार्ड में कोई सा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो किसी कारणवश में बंद हो गया है और आप जानना चाहते हैं घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर करें, तो आप इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे आधार कार्ड में दूसरा मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी एक अद्वितीय पहचान पत्र है जो एक व्यक्ति को उसकी संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, स्थायी पता और फोटो सहित शामिल होते हैं, जो सभी बैंकों, स्कूलों, हॉस्पिटल, सरकारी अधिकारियों और व्यवसायियों से सक्षम होने के लिए ज़रूरी होता है। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जोड़ने के लिए मेरे बताए गए स्टेप को ध्यान से फॉलो करना होगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस आपको नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होता है और एक आधार करेक्शन फॉर्म लेने के बाद फॉर्म को भरने के बाद अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ अटैच देना होता है। उसके बाद आगे की प्रतिक्रिया खुद आधार सेवा केंद्र करेगी। उसके बाद आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाएगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस आधार कार्ड की फोटोकॉपी मोबाइल नंबर में होनी चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने का दो मेथड होता है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। यहाँ मैं आपको दोनों तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप आधार कार्ड सेवा केंद्र नहीं जाना चाहते हैं तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर चेंज ऑनलाइन की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक ऑनलाइन कैसे करते हैं, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर वन ये है कि सबसे पहले आपको uidai.gov.in के साइट पर जाना होगा। उसके बाद बुक एन अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर जाना होगा। स्टेप नंबर टू ये है कि बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक के साथ बायोमेट्रिक फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स प्लस अपडेट, ये सभी चीज़ें अपडेट करा सकते हैं। टिप नंबर तीन ये है कि सिलेक्टेड सिटी लोकेशन, इस ऑपरेशन में आपको अपने एरिया का आधार सेवा केंद्र को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। टिप नंबर फोर ये है कि अब आपको जो मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर एंड कैप्चा कोड डायल करें। उसके बाद जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। टिप नंबर पाँच ये है कि अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिससे आप यह डायल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। टिप नंबर छः ये है कि मैं आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, सॉरी गाइस, मैं पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके बाद आपको सही सही भरना होता है।
टिप नंबर 7 ये है गाइस, अब आपको आपके सामने अगला पेज ओपन होने के बाद क्या क्या चेंज करना है उसी को आपको टिक करेंगे। मैं सिर्फ यह मोबाइल नंबर लिंक करना चाहता हूँ, तो आप लोग न्यू मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हमारे चैनल।